अस्सलाम वालेकुम। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, एक तरीका अगर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो था रोस्टिंग। सही, रोस्टिंग क्या होता था कि हमने ओर को लिया, कंसंट्रेटेड ओर को, उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद हमारे पास दो चीज़ें बनी थी, मैं उन दो चीज़ों के नाम लिख लेता हूँ। एक हमारे पास बना था फेरस सल्फाइड, और इसके बाद सेकेंड नंबर बना था क्यूप्रस सल्फाइड। ये दो चीज़ें हमारे पास लास्ट टाइम बन गई थी, सी यू टू एस। ये वाली दो चीज़ें बनी थी। आज हमने जो चीज़ स्टार्टिंग करनी है वो है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पास्ट पेपर में आ चुका है। प्रोसेस का नाम है जी स्मेल्टिंग। अच्छा, ये जो दो चीज़ें ना, इसको हम कहते हैं रोस्टेड ओर। क्या इन दो चीज़ों का नाम क्या देते हैं? रोस्टेड ओर। ये लास्ट टाइम हमने ओर को लिया, लेने के बाद उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको रोस्टेड ओर का नाम दे देते हैं। सही, अब इसके बाद क्या होता है, कहते हैं आप रोस्टेड ओर को लो, इस रोस्टेड ओर को मज़ीद गर्म कर दो। रोस्टेड ओर को लो, इस रोस्टेड ओर को मज़ीद गर्म करना है, इस प्रोसेस के नाम को स्मेल्टिंग कहते हैं। अब गर्म किसकी मौजूदगी में करना है? दो चीज़ों की मौजूदगी में, ऑक्सीजन और कोक की मौजूदगी। कोक क्या होती है? हम हमेशा ये समझ रहे हैं कोक पीने वाली होगी, कोका कोला, लेकिन याद रखिए जो कोक है ये फ्यूल है, जैसे डीजल है, पेट्रोल वगैरह है ना, इस तरह कोक भी एक फ्यूल है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जलाने के लिए। सही, अब यही बात पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफिनेशन क्या आती है? द प्रोसेस, ऐसा तरीकाकार है, द प्रोसेस ऐसा तरीकाकार जिसमें क्या होता है, इन विच रोस्टेड ओर इज रोस्टेड और इज फर्दर हीटेड, इसको मजीद गर्म किया जाता है, फर्दर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ की मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ कोक एंड सैंड फ्लक्स, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉक की मौजूदगी में एंड सैंड फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद हो, उसको फ्लक्स कहते हैं। सैंड फ्लक्स क्या होता है कि सैंड होती है मट्टी, आपने मट्टी का छिड़काव थोड़ी थोड़ी देर बाद करेंगे ना, उसको नाम देते हैं सैंड फ्लक्स। कहाँ पर छिड़काव करना है वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। अब आपने स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस करवाना होता है वो कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं, उस मशीन को देखेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है। आपने सबसे पहले ये एक हमारे पास ये स्टील का मूमर बना होता है, या इसको सीमेंट का बनाया जा सकता है, ये कुछ इस तरह का होता है। इसके नीचे यहाँ से ना, नीचे की तरफ ये वाली बार की तरफ एक ओपनिंग होती है, यहाँ से हमारे पास मैटे आ रहा होता है। मैटे क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। इसको यहाँ पे हमने हैंग करवाया होता है, लटकाया होता है, यहाँ इसके ऊपर सपोर्ट दी होती है कि ये नीचे गिरे ना। यहाँ पे हमने क्या किया जी, इसको हैंग करवा रखा है, इसको सपोर्ट दी हुई है कि ये वाला पूरे का पूरा आपका अपरेटस नीचे ना गिरे, ये वाला इसकी सपोर्ट है। अब इसके बाद होता यह है कि इसके ऊपर ही यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा बाहर की तरफ निकले होते हैं, इसको कहते हैं चार्ज फ्लोर। क्या नाम देते हैं इसको? चार्ज फ्लोर का नाम देते हैं। इसको चार्ज फ्लोर कहते हैं क्यों है ये भी देख लेते हैं अभी। ये हमारे पास इसका नाम क्या है? ये है चार्ज फ्लोर। अब इस चार्ज फ्लोर को कहते हैं क्योंकि जो चीज़ लास्ट में बनी है ना, इसको रोस्टेड ओर को यहाँ पे आपकी बुक वाला नाम लिख रहा है चार्ज का। किसका नाम लिख रहा है? चार्ज का। और ये चार्ज याद रखिएगा, ये मेटल्स हैं। ये वाली चीज़ें क्या है हमारे पास? रोस्टेड ओर के अंदर सारी की सारी मेटल्स होंगी। सही है, ये रोस्टेड ओर को आपने यहाँ से, फ्लोर होता है फर्श, फ्लोर किसको कहते हैं? फर्श को कहते हैं। यहाँ से आपने इस चार्ज को ऐसा ऐसा गिराना है इसके अंदर, ये ऐसा ऐसा अंदर आके यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा ऐसा आपने यहाँ पे चार्ज फ्लोर के ज़रिए से यहाँ पे इसको गिराते रहना है ऐसा ऐसा, और इसको क्या कर देना आपने? भर देना है इसके साथ। ले जी, ये मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, भर दी। असल में हमारे पास रोस्टेड ओर है, मतलब आपने ओर ली थी, ओर को ले के हाई टेम्परेचर पे गर्म किया ऑक्सीजन की मौजूदगी में,
और ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करने के बाद जो चीज़ हमारे पास बनी उसको रोस्टेड ओर कहते हैं। उसी रोस्टेड ओर का एक और नाम भी हमने यहाँ पर रख दिया है, वह है चार्ज। क्या नाम रखा है यहाँ पर? चार्ज का नाम रख दिया। सही, चार्ज में और रोस्टेड ओर में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। अगर मैं बात करूँ चार्ज की, चार्ज के अंदर दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास होती है फेरस सल्फाइड, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे होता है ये क्यूप्रस सल्फाइड। ये दो चीज़ें होती हैं, इन दो चीज़ों का रिएक्शन याद कर लें। मेन चीज़ होती है कि इसको समझ लें, समझ लेते हैं तो बाकी रिएक्शन हम अभी कर लेंगे याद, सारे के सारे रिएक्शन याद हो जाएंगे। और याद रखिएगा ये जो रिएक्शन है, अगर आप यहीं पर याद कर लेते हो, आगे वाला प्रोसेस है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन के सारे रिएक्शन है इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। किस चीज़ के ऊपर? अगर आपको स्मेल्टिंग के रिएक्शन आते हैं, अगर आपको स्मेल्टिंग के रिएक्शन आते हैं ना, आप सारे के सारे बेसिमराइजेशन के रिएक्शन भी कर लोगे आसानी से। ये हमारे पास चार्ज है, चार्ज को हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया है ताकि हम इसको हीट करके इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं इसको निकाल सकें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया होता है कि एक एयर ब्लास्ट लगाए होते हैं यहाँ पर। ये एयर ब्लास्ट का मतलब क्या है कि ये हवा को बड़ी स्पीड के साथ अंदर फेंक रहे होते हैं। यहाँ पे भी एयर ब्लास्ट लगाया होता है। एयर ब्लास्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चाहिए होती है हवा इस चीज़ को जलाने के लिए। तो इसको हमने यहाँ पे एयर ब्लास्ट लगा रखे हैं, और ये वाली चीज़ होती है टीयर, टीयर लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या आई? एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट। और सेम इसी तरह ये वाली चीज़ भी एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ से हवा को आप अंदर की तरफ फेंकोगे। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि हमें इसको करना होता है गर्म, इसको जलाना है। जलाने के लिए हवा की लाजमी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके ऊपर क्या किया होता है जी? हमने यहाँ पे एक और ऊपर इसको बिल्कुल ढका होता है, क्योंकि इसमें ना कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं। वो गैसें अगर इंसान यूज़ कर ले, या इंसान के लिए किसी भी तरीके से इंसान के कॉन्टैक्ट में आती हैं, वो बड़ी नुकसानदेह होती हैं। यहाँ पर इसको बंद किया होता है। ये हमारे पास एक किस्म का, ये समझिए कि दरवाज़ा है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से खोल सकते हैं। सेम इसी तरह के यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है, इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हमारे पास ओपनिंग होती है बिल्कुल टॉप के ऊपर, बिल्कुल टॉप के ऊपर भी एक ओपनिंग होती है। ये होती है गैस के लिए। कौन सी गैस के लिए वो भी देखते हैं अभी। इसको आप अपनी मर्ज़ी से खोलेंगे, ये बिल्कुल बंद होता है। कौन सी गैस के लिए ओपनिंग होती है? वो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए। किस गैस के लिए ओपनिंग होती है? यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस ने बाहर आना होता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वैसे ही बाहर फेंक दी जाए, इसकी मैं बदबू बता देता हूँ किस तरह की होती है। जब कोई कुत्ता वगैरह मरा हो ना, उसकी जो गंदी बदबू आ रही होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से। बस यही बात याद रखिएगा, इस गैस को हम क्या कहते हैं, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए आगे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस गैस को सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए हम इसको अपनी मर्जी से यहाँ से निकाल के सिलेंडर वगैरह के अंदर फिल कर सकते हैं। ये दीजिए हमारे पास थोड़ा सा ऑपरेटर्स। अब आपने करना क्या है, काम किस तरह करेंगे? हमने चार्ज डाल दिया, इस चार्ज के अंदर कौन सी दो चीज़ें हैं वो याद रखिए। इसको नाम देते हैं क्या? चार्ज का नाम देते हैं, चार्ज कह लो, और इसको नाम दे सकते हैं रोस्टेड ओर, रोस्टेड ओर का भी नाम दे सकते हैं। इस चार्ज के अंदर या रोस्टेड ओर के अंदर दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? एक हमारे पास है फेरस सल्फाइड FES, और एक है क्यूप्रस सल्फाइड। इसको नाम कहते हैं जी फेरस सल्फाइड, और इसको कहते हैं क्यूप्रस सल्फाइड। ये दो नाम आपने याद रखने अच्छे तरीके से, क्योंकि यही चीज़ को हमने रिएक्शन वगैरह के अंदर वर्डिंग लिखनी होती है। अब आपने करना क्या है कि इसके अंदर कोक डालनी है। कोक क्या है? असल में फ्यूल है, जिस तरह मिट्टी का तेल है, उसको अंदर डाल के आप आग लगाओगे आग लग जाएगी। ये समझ लीजिए कोक हमारे पास क्या है? मिट्टी का तेल ही है। आपने इसके अंदर क्या कर दिया जी? थोड़े से कोक डाल दिया। कहते थोड़ी सी मिकदार में डालनी है। क्यों थोड़ी सी मिकदार में डालनी होती है? क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाए, हाईली एक्सोथर्मिक है। सही, ये वाली चीज़ मैंने क्या यूज़ कर दी यहाँ पे? कोक यूज़ कर दी है। कोक असल में है क्या? फ्यूल है। कोक क्या है? फ्यूल है, और ये जलने में मदद देगी। कहता आपने थोड़ी सी मिकदार में क्या है, ये हम माइनर क्वांटिटी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है, स्मॉल क्वांटिटी में। कहता जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है?
एक्सो का मतलब बाहर की तरफ, थर्मिक हीट, ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज हो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जब आप गैस को जला रहे होते हैं ना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, गैस जल रही है जिसकी वजह से हीट पैदा हो रही है। लकड़ी को जलाते हैं वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लकड़ी जल रही है हीट पैदा हो रही है। इसके अलावा एक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर देता हूँ, आप सीमेंट लें, सीमेंट ये वाला जो चूना करते हैं, इस चूने को लो पानी के अंदर डाल दो। अब जैसे ही पानी के अंदर डालोगे तो कुछ देर के बाद वो पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है। जब ये चूना वगैरह कर रहे होते हैं जिस टैंक के अंदर डाला होता है वो टैंक बिल्कुल गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हीट रिलीज होती है। सेम इसी तरह ये वाला हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, आपने थोड़े से कॉक यूज़ करना, इसको गर्म करना, गर्म करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट करवा देना। रिएक्शन एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो आपके ये बाकी सारे का सारा खुद ब खुद ही पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पिघलना शुरू हो जाए ना, आपने क्या करना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना इसमें सैंड डालते रहना है। कौन सी चीज़ डालते रहना है? इसमें सैंड डालते रहना है। ले जी, मैं यहाँ पे ना इसको कहते हैं सैंड फ्लक्स। अब थोड़ी देर में ना थोड़ा एक सैंड लेगा ना मट्टी, उसका छिड़काव कर दो इसके अंदर, थोड़ी देर में फिर लो सैंड का छिड़काव कर दो। अब छिड़काव करने के बाद बाकी क्या काम कर रहे हैं तो वो देखते हैं। ये वाली चीज़ सैंड लेकर ना, सैंड फ्लक्स इसी को कह रहे होते हैं, सैंड इसके ऊपर गिराते रहना। ये क्या हमारे पास सैंड फ्लक्स है, सैंड फ्लक्स। अब बाकी जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो सारे के सारे रिएक्शन, ये था जी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं? चले, अब बाकी आ जाती है हमारे पास रिएक्शन। रिएक्शन मेन चीज़ होती है, रिएक्शन को गौर कीजिए किस तरह करवाने हैं। अब यहाँ पर ना सबसे पहले मैं इस चीज़ का रिएक्शन करवाऊंगा जितने भी होते हैं, फिर मैं इस चीज़ का रिएक्शन करवाऊंगा जितने भी होते हैं। पहले मैं इसके रिएक्शन करवाने लगा, इसके रिएक्शन चेक कीजिएगा। मेरे पास ये वाली चीज़ है कॉपर फेरस सल्फाइड, FeS, इसका नाम क्या है? फेरस सल्फाइड। अब फेरस सल्फाइड की सबसे पहले ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन होना है, रिएक्शन होने से हमारे पास बन जाना है FeO, FeO बनना है और साथ में SO2 गैस बन जानी है। SO2 असल में गैस होती है, ऊपर की तरफ उठती है, यहाँ पे आके जमा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाहर हमने को ओपनिंग नहीं रखी हुई। जब हमारा दिल करेगा वहाँ से जब देखेंगे ज़्यादा गैस हो जाती है, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास SO2 यहाँ पे एक सल्फर, ऑक्सीजन कितने आएंगे? दो। अगर इसको दो लगाऊँ ये भी दो आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी सल्फर भी दो, और ऑक्सीजन कितने मुझे लगाने पड़ेंगे? तीन। चेक करें आप, बैलेंस हो गया, तीन ऑक्सीजन, बैलेंस करना लाजमी है। ये हमारे पास चीज़ बन गई है। अब ये वाली चीज़ देखें, अब हम चाहते हैं, ये असल में हम एक्सेप्शन कर रहे हैं कॉपर की, हम चाहते हैं ये वाली चीज़ जितनी प्योर हो के आ सकती है उतनी प्योर हो जाए, ये वाली चीज़ निकालना चाहिए। हम चाहते हैं इसमें जो आयरन है ये भी निकल जाए, सल्फर जो है इसके अंदर वो भी सारी के सारी निकल जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी चीज़ बचे? कॉपर। हम लास्ट तक जब इस प्रोसीजर पर जाएंगे तो 99% कॉपर हासिल करेंगे। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, वो वाला एक चीज़ हमने रिएक्शन करवा दिया, फेरस सल्फाइड लिया, फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन करवाई है, फेरस ऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। आपकी बुक में यही बात लिख रहा है, वर्डिंग के अंदर आप किसको किस तरह लिखेंगे? कहते जी फेरस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज, क्या हो जाता है? ये ऑक्सीजन हासिल कर लेता है एंड फॉर्म, ये क्या हमारे पास? फेरस ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड। मतलब फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करता है और कौन सी बना देता है? फेरस ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देता है। ये पहला रिएक्शन हो गया, इसकी वर्डिंग सेम इसी तरह लिखनी है। जब फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो फेरस ऑक्साइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। ये पहली वर्डिंग होगी। अब इसके बाद ये जो चीज़ बनती है, देखें ये तो गैस है, ये तो ऊपर उठ गई, बाकी अभी ये वाली चीज़ मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर सैंड डाले जा रहे हैं, मट्टी डाले जा रहे हैं। और याद रखिएगा जो सैंड का फॉर्मूला होता है वो SiO2 होता है, क्या होता है? SiO2, ये सैंड का फॉर्मूला होता है। तो अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ लेनी है, क्योंकि ये वो वाली चीज़ खत्म होती जा रही है, अभी ये वाली चीज़ बाकी बड़ी हुई है। ये वाली चीज़ लेनी है और ये वाली चीज़ होती है फेरस ऑक्साइड, ये सैंड के साथ रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद हमारे पास इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके लिख दो, क्या बनेगा? FeSiO3, दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे हमारे पास बन जाएगा FeSiO3, FeSiO3, और इसका नाम होता है जी स्लैग।
क्या नाम होता है स्लैग, और स्लैग पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। वो कहता है व्हाट इज स्लैग, स्लैग क्या है, स्लैग असल में हमारे पास एफ ई एस आई ओ थ्री है। क्या है स्लैग, एफ ई एस आई ओ थ्री हमारे पास स्लैग है। लेकिन हमारे पास आधा रिएक्शन हो गया। अब इसको आपने वर्डिंग में इस तरह कुछ लिखेंगे, व्हेन फेरस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज इट फॉर्म फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड फेरस ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद सैंड फ्लक्स, सैंड कह लें सैंड फ्लक्स कह लें, सैंड एंड फॉर्म स्लैग। और कहते हैं ये जो स्लैग बनता है ना ये लाइटर वेट होता है, क्या होता है लाइटर वेट होता है। ये लाइटर वेट का नाम याद रखिएगा, लाइटर वेट का मतलब क्या है, वजन में हल्का होगा, लाइटर वेट होता है। अब लाइटर वेट होने की वजह से ये ऊपर की तरफ यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, ऊपर की तरफ तैरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये देखें इसमें सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हम नहीं चाहते, ये ऊपर ऊपर तैरना शुरू हो जाए। हमारे पास क्या है स्लैग है। अब इस स्लैग को आप ऊपर से इकट्ठा करके निकाल देते हैं। अब देखें हमने क्या कि कुछ ना कुछ अमाउंट में फेरस सल्फाइड यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में, अभी बाकी रहता है, बाकी नेक्स्ट प्रोसीजर हमने करना होता है। अब इसके बाद बाकी चेक कीजिएगा, बाकी कौन सी चीज़ बची है, एक का तो हमने रिएक्शन करवा लिया फेरस सल्फाइड, बाकी बचे क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड के रिएक्शन करवाने लगो, पहले इसके करवाने हैं बाद में इसके करवाने हैं। ये क्या हमारे पास क्यूप्रस है CO2S, और इसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे सेम काम है जी, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी SO2 गैस बनेगी। तो यानी कि सल्फर को उठा के बाहर निकाल दे इसकी जगह पे ऑक्सीजन लगा दे, सेम काम यहाँ पे किया था, सल्फर को बाहर कर दे इसकी जगह पे एक ऑक्सीजन लगा दी थी। अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद हमारे पास वही चीज़ है, दो यहाँ पे लगा दो, ये हमारे पास दो यहाँ बनेंगे, ये तीन बन, ये भी दो बनेंगे, ये वाले हमारे पास यहाँ पे तीन यूज हो जाएंगे, तीन, हाँ तीन होंगे। ले जी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब इसको किस तरह आप कहोगे, व्हेन क्यूप्रस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, जब क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये कौन सी चीज बना देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या है, बाकी जो चीज़ें हैं वो चेक कीजिएगा। अब ये वाली चीज़ बच गई है हमारे पास, अब ये वाली चीज़ याद रखिएगा, जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है ये सैंड के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्यूप्रस ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अच्छा सैंड के साथ रिएक्शन नहीं करता, फिर कोई और चीज़ मौजूद है जिसके साथ ये रिएक्शन कर सके, अभी कुछ मिकदार में ये पड़ी होगी बीच में, ये सारी के सारी यूज़ नहीं होती यहाँ पे, याद रखिए ये सारी के सारी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती, कुछ ना कुछ पड़ी होती है। अब क्या होगा, यही चीज़ ये वाली चीज़ लो, ये क्या हमारे पास क्यूप्रस है, कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, नाम याद रखते जाइएगा, मेन चीज़ है नाम। ये क्यूप्रस ऑक्साइड दोबारा क्या कहते हैं, सेकंड स्टेप में क्यूप्रस CU2O क्या करता है जी, रिएक्शन कर जाता है FeS से, और ये वाली चीज़ हमारे पास नई चीज़ बना देती है। अब होना क्या, यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे होना ये है कि ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला सल्फर ने आपस में इंटरचेंज हो जाना है, बस इसने उसकी जगह पर ले जाना, उसने इसकी जगह पर आ जाना, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, CU2S और साथ में FeO। अब देखिए जो फेरस ऑक्साइड बना है ना, ये दोबारा फिर यहाँ पे यही काम, फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्शन करेगा और स्लैग बना देगा, ये निकल गया। यानी ये थोड़ा थोड़ा करके ना, हमने चाहिए सिर्फ उसे कॉपर, हम बाकी सारी की सारी इंप्योरिटीज यहाँ से निकालेंगे, किसी ना किसी तरीके कार को जो मर्जी तरीका इस्तेमाल कर सारी निकालनी है। अब हमारे पास कौन सी चीज़ बच गई है, ये वाली चीज़ क्यूप्रस ऑक्साइड, और कुछ ना कुछ अमाउंट में कौन सी चीज़ बची होगी, ये वाली चीज़, ये दो चीज़ें लास्ट में बच जाती हैं, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड। अब इन दो चीज़ों के मिक्सचर को, कौन से मिक्सचर को, ये दोनों चीज़ें असल में होती हैं, इसको कहते हैं मेटे, ये ऐसा ऐसा यहाँ पे भारी होते हैं और ये ऐसा ऐसा यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं, स्लैग जो इम्प्योरिटी जो हल्की होती है ऊपर तैर जाती हैं, ये इस चीज़ को कहते हैं ये मैटे है, ये क्या है मैटे, और मैटे पास पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। ये दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, किसका, फेरस सल्फाइड का FeS का और साथ में क्यूप्रस सल्फाइड का, और ये क्या होता है मेल्टेड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ से बाहर निकालते हैं,
इसको नेक्स्ट प्रोसेस इसको कहते हैं बेसिमराइजेशन, उसमें ले जाते हैं। तो ये और याद रखिएगा मैटर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये क्या हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पास पेपर में आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन है क्या, वो कहता है व्हाट इज मैटर, असल में हमारे पास क्या है, नहीं फेरस सल्फाइड, क्योंकि फेरस ऑक्साइड आपका यहाँ बनता है, बनने के बाद ये देखें फेरस दोबारा फिर सैंड का, जैसे ही फेरस ऑक्साइड बनता है ना, फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन करेगा हमारे पास स्लैग बना देगा, क्या बना देगा, स्लैग बना देगा। अब यही चीज़ हमारे पास रह कौन सी चीज़ें जाती हैं, फेरस सल्फाइड और क्यूपरस सल्फाइड, ये दो चीज़ें रह जाती हैं, इन दोनों के मिक्सचर को सही था, मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फाइड एंड क्यूपरस सल्फाइड इज कॉल्ड मैटे, जो कहाँ बच्चा है जी स्मेल्टिंग प्रोसेस के बाद अगर गौर करेंगे ना, चेंज कुछ भी नहीं हुआ, वही चीज़ शुरू में हमारे पास यहाँ पे थी, वही चीज़ यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ चेंजिंग आ गई है, आपका फेरस सल्फाइड कुछ ना कुछ कम हो गया है, कम हो गया यहाँ पे जो कॉपर की मैटे के अंदर, याद रखिएगा जो मैटे होता है इसके अंदर, ये जो हमारे पास मैटे है इसके अंदर 45% कॉपर होती है, 45% है कॉपर, और ये एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्या आता है पास पे बड़ी दफ़ा एमसीक्यू आ चुका है कि जो मैटे हमारे पास लास्ट में आता है उसमें कितने परसेंट कॉपर होती है, 45% कॉपर होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद हम आगे जाकर ब्लिस्टर कॉपर पढ़ेंगे, वहाँ पे भी 1% दी गई है जो कि आपने याद करनी होती है। ये तो जी हमारे पास रोस्टिंग के बाद स्मेल्टिंग का प्रोसेस, सही, एक दफ़ा मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ी सी कंसंट्रेशन साइड में रखिएगा। अब आपने करना क्या जी, हमारे पास ये एक मशीन होती है, मशीन होने के बाद ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आपने जहाँ से जो रोस्टेड ओर होती है इसको पहले इसके अंदर फिल करना है, फिल करने के बाद थोड़ी सी कोक डालनी है, इसको आग लगा देनी है, आग लगाने के बाद ये वाले रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ये वाले कहते हैं जो रिएक्शन हो रहे होते हैं हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से यहाँ पे हीट काफ़ी मिकदार में रिलीज होती है, इतनी मिकदार में रिलीज होती है बाकी आपको कोक डालने की जरूरत ही नहीं, फ्यूल डालने की जरूरत ही नहीं है। कहते जैसे ही रिएक्शंस होते हैं होने के बाद हमारे पास क्या होता है, आप इसमें वो सैंड भी डालते रहते हैं, सैंड क्या करती है आपकी फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन सबसे पहले फेरस सल्फाइड की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होने के बाद फेरस ऑक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड की मजीद सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, स्लैग बना देते हैं, स्लैग होता है हल्का हल्का होने के बाद ऊपर आते हैं, इसको हम ऊपर से निकाल देते हैं, इंप्योरिटी निकल गई। अब बाकी क्या होता है हमारे पास सेकंड चीज़ कॉपरस सल्फेट, जो क्यूपरस सल्फेट होता है तो इसका रिएक्शन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है और हमारे पास क्यूपरस ऑक्साइड बन जाता है, क्यूपरस ऑक्साइड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और ये वाली दो चीज़ें बना देता है, इसमें जो फेरस ऑक्साइड होती है दोबारा फिर यहाँ पर जाकर स्लैग बना देता है, इसको इंप्योरिटी की फॉर्म में हम ऊपर से निकाल देते हैं और लास्ट में हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सर बनता है, फेरस सल्फाइड का और क्यूपरस सल्फाइड का, इन दो चीज़ों के मिक्सर में मैटे कहते हैं, मैटे असल में वजन में भारी होता है जिसकी वजह ये नीचे की तरफ मूव करता है और यहाँ से हम मैटे को बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें याद रखिएगा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है वो मैटे का रिलेटेड आता है, व्हाट इज मैटे, मैटे हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सर होता है, इसके अलावा मैटे के अंदर कार्बन कॉपर की परसेंटेज कितनी होती है, याद रखिएगा मैटे के अंदर कॉपर की परसेंटेज 45% होती है, ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।